दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं क्रिकेट के स्टम्प की कीमत कितनी होती है और दुनिया का सबसे महंगा गुलाब कौन सा है और ये बंदर इस तरह से बंदा क्यों है? बताएंगे सब कुछ। उससे पहले आप चैनल को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ठोक देना। तो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे सुंदर सांप। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है सैन फ्रांसिस्को गार्टर। इसे दुनिया का सबसे सुंदर सांप माना जाता है। दोस्तों, यह पूर्वी त्रिपुरा द्वीप में पाए जाते हैं। दोस्तों, यह 18 से 55 इंच तक बढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर टू। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे बंदर एक बुद्धिमान जानवर है, लेकिन दोस्तों सन 2011 की बात है, पाकिस्तान में एक बंदर को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने भारत का बॉर्डर पार किया था। फैक्ट नंबर थ्री। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं टिटोना नामक एक पक्षी है, अगर उसको कोई छू लेता है तो वह तुरंत मर जाता है। दोस्तों, यह एक अजीब ही बात है। वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाने से वह मर नहीं जाएगा। जल्दी से जल्दी कर दीजिए। फैक्ट नंबर फोर। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं क्रिकेट में यूज होने वाले इन स्टम्पों का प्राइस कितना होता है? दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाए कि इनकी कीमत 30 लाख रुपए तक की होती है। फैक्ट नंबर फाइव। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा गुलाब कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा गुलाब जूलियट रोज है। दोस्तों, इसका प्राइस 90 करोड़ तक होता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि यह 15 साल में एक बार उगता है और यह कई तरह के गुलाबों के बीज को मिलाकर उगाया गया है। फैक्ट नंबर सिक्स। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का भाषा कही जाने वाले जापान कवर पर QR कोड लगा रहा है, जिसे स्कैन करके यह पता लगाया जा सकता है कि यह कवर किसकी है और यह बंदा कहाँ से है और कब मरा है। दोस्तों, यह आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फैक्ट नंबर सेवन। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं पूटू नाम का एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ होने का दिखावा करता है? जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने होते हुए भी ऐसा लगता है मानो हमारे सामने पेड़ है, लेकिन यह पेड़ पर बैठा हुआ होता है। फैक्ट नंबर एट। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं हमारे देश में चलता फिरता हॉस्पिटल है? जी हाँ दोस्तों, यह दुनिया में सबसे पहला है। दोस्तों, यह ट्रेन में बनाया गया है। दोस्तों, इसे लाइफलाइन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करें तो यह कब बनाया गया था, लेकिन इसका मुझे नहीं पता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।